जल्द ही आपके शहर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश भर में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार इन इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी देगी। केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए प्रस्ताव मांगा है। 18 जुलाई तक राज्य सरकार अपना प्रस्ताव केंद्र को दे सकती है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए केंद्र की तरफ से 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम टू स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सरकार ने फेम टू स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। देश में फेम टू इस साल 1 अप्रैल से लागू हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग साइज की बसों की खरीद पर अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। जैसे 10 से 12 मीटर लंबी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक बस पर 55 लाख रुपए की सब्सिडी होगी, 8 से 10 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस पर 45 लाख रुपए की सब्सिडी होगी, और वहीं अगर बात की जाए मिनी इलेक्ट्रिक बस की तो उस पर 35 लाख रुपए की सब्सिडी होगी। आइए अब आपको बताते हैं फिलहाल किन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना है। सरकार पहले चरण में 7 बड़े शहरों के लिए योजना शुरू करेगी। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद आते हैं। 40 लाख से ज्यादा संख्या वाले शहरों में कम 300 बसें उतारी जाएंगी। योजना में ऐसे 8 शहरों को शामिल किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर में न्यूनतम 100 बसें उतारी जाएंगी। ऐसे में 45 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी के स्टेट और दूसरे शहरों में 50 बसें उतारी जाएंगी। तो तैयार हो जाइए जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की सवारी करने के लिए।